नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो दोस्तों जिस विषय पे होने वाली है वो विषय है फ्लिपकार्ट चेंज सैलरी स्ट्रक्चर टर्म एंड कंडीशंस, कि फ्लिपकार्ट में समय समय पर सैलरी उससे संबंधित बातें चेंज होती रहती हैं, उसी संबंधित शर्तें, उसके बारे में हमें जानकारी होनी भी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि जो पहले सैलरी 11,000 देते थे वो 11,400 रुपये कर दिया उन्होंने, जो बंदे सैलरी बेस पे लगते हैं। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रक्चर और चेंज किया है कि आपको जो 4 वीक ऑफ मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, और साथ में जो 2 कैजुअल लीव है वो भी आपको मिलेंगी। लेकिन उन्होंने एक नई जो सिस्टम चेंज किया है, एक तो ये चेंज किया कि जो फ्यूल है, जो फ्यूल का खर्चा 3 रुपये देते थे पहले, वो 3.75 रुपये पर पैकेट कर दिया। यानी कि यदि आप एक पैकेट डिलीवर करते हो तो आपको 3.75 रुपये आपको मिलेंगे। और एक चेंज ये किया है दोस्तों, पहले क्या होता था, बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि सैलरी बेस पे जो बंदे हैं कम से कम कितने पैकेट उनको डिलीवर करने होते हैं। बहुत सी कंपनियों में बहुत सी बकवासबाजी हैं कि परसेंटेज करो, ये करो। फ्लिपकार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लिपकार्ट ने जो अभी नई पॉलिसी जो लागू की है उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि मिनिमम आपको सिर्फ 12 पैकेट डिलीवर करने हैं, यानी कि आप 12 से कम पैकेट किसी भी हालत में मान्य नहीं होंगे, आपको 12 पैकेट डिलीवर करने होंगे। 12 पैकेट डिलीवर करने पे आपको 30 पैकेटों के समान सैलरी मिलेगी, यानी कि जो 30 पैकेटों के समान सैलरी है वो मिलेगी। अभी जो बिग बिलियन डे चल रहा है, यानी कि अब मान लीजिए आप 15 अगस्त से लेके और 1 जनवरी के 1st वीक तक यहाँ बंदों को रखा भी जाएगा 2-3 महीने के लिए, तो ये कुछ चेंजेज किए हैं। दूसरा उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेंज ये किया है दोस्तों कि जो बंदे मान लीजिए पिन कोड होते हैं, पिन कोड क्या है कि मान लीजिए 1367 का पिन कोड है, उसके बाद बंदा 1326 के अंदर, यानी कि यदि बंदा अलग अलग पिन कोड के अंदर जाएगा तो उसको जो तेल के पैसे हैं, मान लीजिए एक ही पिन कोड में रहेगा उसको पर पैकेट डिलीवर पे 3.75 रुपये मिलेंगे, और यदि वो दूसरे के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पर उसको दोस्तों 5 रुपये पर पैकेट डिलीवर के मिलेंगे। उसके बाद यदि वो तीसरे पिन कोड में, यदि कि यदि एक बंदा 3 पिन कोड के अंदर जाता है तो उसको उससे अधिक 6 रुपये 7 रुपये कुछ ऐसे मिलेंगे। और एक और चेंज किया कंपनी ने, यदि बंदा 40 पैकेट डिलीवर कर देता है, 40 पैकेट डिलीवर कर देता है और वो गांव की तरफ जा रहा है, तो 40 पैकेट से ऊपर जितने भी पैकेट डिलीवर करेगा वहाँ आपको, पहले ही साफ बता रहा हूँ दोस्तों, तेल के पैसे नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको तेल का कोई रुपया नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है दोस्तों वहाँ आपको 10 रुपये पर पैकेट मिलेंगे, यानी कि मान लीजिए आपने 50 पैकेट कर दिए तो आपके जो 10 पैकेट हैं उनके 100 रुपये आपको अलग से मिलेंगे, उनका कैलकुलेट है। यदि आपने 20 पैकेट अलग कर दिए आपको 200 रुपये मिलेंगे, और वो कैलकुलेट अलग रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया है कि यदि आप एक पिन कोड में करते हैं तो 3.75 रुपये पर पैकेट डिलीवर पे मिलेगा, और यदि आप अलग अलग में जाएंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा आपका जो तेल का प्राइस है पर पैकेट डिलीवर। आशा करता हूँ ये नई इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट के सैलरी संबंधित जो मैंने आपको दिया पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।